बोलिए लाडली लाल की जय। श्री गुरवे नमः। 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 आचार्यं मां विचारिणीया न मन्येत कर्चित् नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो। हे परम प्रियतम, हे परम प्रियतम, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तुमसे विमुख होने के कारण, तुमसे विमुख होने के कारण, अनादिकाल से हमने अनंतानंत दुख पाए, अनंतानंत दुख पाए एवं पा रहे हैं, एवं पा रहे हैं, पाप करते करते, पाप करते करते, अंतःकरण, अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है, इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा, कि रसिकों द्वारा यह जानने पर भी, यह जानने पर भी कि तुम अपनी भुजाओं को पसारे, कि तुम अपनी भुजाओं को पसारे अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से, अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो, हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो, तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता, तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता। हे अशरण शरण, हे अशरण शरण, तुम्हारी कृपा के बिना, तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता, तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण, हे अकारण करुण पतित पावन श्री कृष्ण, पतित पावन श्री कृष्ण, तुम अपनी अहेतुकी कृपा से ही, तुम अपनी अहेतुकी कृपा से ही हमको अपना लो, हमको अपना लो। हे करुणा सागर, हे करुणा सागर, हम भुक्ति मुक्ति आदि, हम भुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते, हमें तो केवल, हमें तो केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही, तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही एकमात्र चाह है, एकमात्र चाह है। हे नाथ, हे नाथ, अपने विरत की ओर देखकर, अपने विरत की ओर देखकर इस अधम को निराश न करो, इस अधम को निराश न करो। हे जीवन धन, हे जीवन धन, अब बहुत हो चुका, अब बहुत हो चुका, अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना, अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है,
मृत्यु से भी अधिक भयानक है। अते प्रेम भिक्षां देहि, प्रेम भिक्षां देहि, प्रेम भिक्षां देहि, प्रेम भिक्षां केत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय। वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की जय। श्रीमत सतगुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जयति जगद गुरु गुरुवर की, गाओ मिली आरती रसिक वर की, गाओ गाओ मिली आरती रसिक वर की। गुरु पद नख मणि चंद्रिका प्रकाश, जाके उर बसे ताके मोह तम नाश, जाके मात नात तब हाथ करवास, ताते होए माया मोह सब ही निराश। पावे गति मति रति राधावर की, गाओ मिली आरती रसिक वर की, गाओ गाओ मिली आरती रसिक वर की। अरे मन मूल छाड़ नारी नर हाथ, गुरु बिनु ब्रह्म श्याम हूँ न देंगे साथ। कोमल कृपाल बड़े कृपा सिंधु नाथ, आगे आज तू अनाथ हो सनाथ। इन्हीं के अधीन कृपा गिरधर की, गाओ मिली आरती रसिक वर की, गाओ गाओ मिली आरती रसिक वर की। भक्ति योग रस अवतार अभिराम, करे निगमागम समन्वय ललाम। श्याम श्याम नाम रूप लीला गुण धाम, बाटिय प्रेम निष्काम बिनु दाम। हो रही सफल काया नारी नर की, गाओ मिली आरती रसिक वर की, गाओ गाओ मिली आरती रसिक वर की। लली लाल लीला का सलोना सुविलास, छाया दिव्य दृष्टि बीच प्रेम का प्रकाश। वैसाही विनोद वही मंजू मृदु हास,
करे बस बर बस उच्च अट हार। जय हो झूमी चले चाल वही नटवर की, गाओ मिली आरती रसिक वर की, गाओ गाओ मिली आरती रसिक वर की। जयति जगत गुरु गुरुवर की, गाओ मिली आरती रसिक वर की, गाओ गाओ मिली आरती रसिक वर की। आरती प्रीतम प्यारी के बनवारी नतवारी की। आरती प्रीतम प्यारी के बनवारी नतवारी, दुहुन सिर कनक मुकुट जल के, दुहुन श्रुति कुंडल बल हल के, दुहुन दृग प्रेम सुधा चल के, चसीले बैन रसीले नैन गसीले सैन, दुहुन में नन मन हारी की के बनवारी नतवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की के बनवारी नतवारी, दुहुन दृग चितवनी परवारी, दुहुनी लट लट कनी छवि न्यारी, दुहुनी बहुमट कनी अति प्यारी, रसन मुख पान हसन मुस्कान, दसन दम कान दून बेसर छवि न्यारी की के बनवारी नतवारी की। आरती प्रीतम प्यारी के बनवारी नतवारी, एक उर पीतांबर पहरे, एक उर नीलांबर लहरे, दून उर लर मोतिन चहरे, कंकनन खनक किंकिनिन जनक, नूपुरन बनक दुहुन रुन जुन दुनि प्यारी की के बनवारी नतवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की के बनवारी नतवारी की। एक सिर मोर मुकुट राजे, एक सिर चूनरी छवि छाजे, दुहुन सिर तिरछे बल ब्राजे, संग ब्रज बाल लाडली लाल, बाहवल डाल कृपालु दुहुन दृग चारी की के बनवारी नतवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की
के बनवारी नथवारी की आरती प्रीतम प्यारी की के बनवारी नथवारी यस्य साक्षात् भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु मर्त्या सद्धि श्रुतं तस्य सर्वं कुञ्जर शौचवत् एष वै भगवान् साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वर योगेश्वरैर् विमृग्याङ्घ्रिर्लोकोऽयं मन्यते नरं यमुना निकटतटस्थित वृन्दावन कानने महारम्ये कल्पद्रुमतलभूमौ चरणं चरणोपरिस्थाप्य तिष्ठन्तं गणनीलम् स्वतेजसा भासयन्तमिह विश्वम् पीताम्बरपरिधानम् चन्दनकर्पूरलिप्तसर्वाङ्गम् कुण्डलयुगमण्डितश्रवणम् मन्दस्मितमुखकमलम् सकोस्तु बोदारमणियारम् वलयाङ्गुलीयकाद्या नुज्ज्वलयन्तम् स्वलङ्कारान् गलविलुलितवनमालम् स्वतेजसा पास्तकलिकालम् गुञ्जारवालिकलितम् गुञ्जाञ्जाविदेशिरसि भुञ्जानं सह गोपै कुञ्जान्तर्वर्तिनं नमत मन्दारपुष्पवासित मन्दानिलसेवित परानन्दम् मन्दाकिनीयुतपदम् नमत महानन्ददम् महापुरुषम् सुरभीकृतदिग्वलयम् सुरभिशतैरावृतः परितः सुरभितिक्षपणमा सुरभीमं यादवं नमत धनि गुरुवर धाम निवास सुनो मन पुण्यन पुंज सोपाये जो बनि दीन प्रपन्न रहो गुरु के नित
सेवा सोता ही रि जाइए जुन मन ते हरि को गुरु को सुमिरो रस ना सो सदा गुण गाइए जु क्षण भंगुर जीवन जानी मना क्षण हूँ जनी व्यर्थ गवाइए जु सब धामन वारो वृंदावन पे और वृंदावन हूँ गुरु धाम पे वारो जो गुरु के पद प्रीति जुरी तो बजो चली आवे गो ब्रह्म विचारो हरि निर्मल भक्तन को गुरु है अधमो को उदारन हारो औरन को गुरु हो या न हो गुरु मेरो कृपालु सुभाग्य हमारो औरन को गुरु हो या न हो गुरु मेरो कृपालु सुभाग्य हमारो बोले अनंत भू मंडलाचार्य की जय जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की जय चिराशेश्वरी राधा रानी की जय श्री राधा माधव धाम की जय श्री भक्ति धाम की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय
गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय गोविंद जय
जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय गोविंद जय जय
गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय सब पागल है, संपूर्ण विश्व पागल है। आप लोग ये मत समझिए कि मैं अपने आप को छोड़ के कह रहा हूं। सब पागल है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश नक्षत्र तारागण सब भाग रहे हैं, पागल की तरह भाग रहे हैं। इतने व्याकुल हैं किसी वस्तु की खोज में कि एक सेकंड को कोई खड़ा नहीं होना चाहिए। भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। बहुत बार आप लोगों को समझाया गया है कोई भी जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता, अर्थात प्रत्येक क्षण प्रत्येक जीव भाग रहा है। कुछ बाहर से भागता हुआ दिखाई पड़ता है, कुछ भीतर से भागता हुआ दिखाई पड़ता है, किंतु प्रत्येक क्षण प्रत्येक जीव भाग रहा। और सबकी अलग अलग भागने की प्रवृत्ति है। मुन्ने मुन्ने मतलब भिन्ना, तुन्ने तुन्ने सरस्वती। किसी दो व्यक्ति की चित्त वृत्ति नहीं मिलती। ये भगवान का बड़ा सुंदर सा पागलखाना है। वैसे तो अगर आप लोग फील करते हो तो हम और एक कदम आगे चल करके सिद्ध कर दें कि भगवान भी पागल है।
संत महात्मा कहलाते हैं ये भी पागल। अब तो आप लोगों को संतोष हो गया होगा जिस गांव में सब नकटे हो और एक नाक वाला हो तो वहां नकटा होना फैशन होता है और उस नाक वाले को सारे नकटे कहते हैं नक्कू है नक्कू है। तो हम लोग भी पागल हैं और बड़े बड़े जीवन मुक्त कमलात्मा परमहंस श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम योगींद्र वे भी पागल हैं। और इस विश्व का जो अध्यक्ष है जिसका ये पागल खाना है वो भी पागल। ये सारे पागल दो भाग में विभक्त किए जा सकते हैं। इनका पार्टीशन किया जाए तो दो भाग में विभक्त हो जाएंगे अर्थात कुछ तो किसी वस्तु के लिए पागल है और कुछ उस वस्तु के मिल जाने पर पागल है। तात्पर्य ये कि विश्व का प्रत्येक जीव जो भाग रहा है दौड़ रहा है ये केवल आनंद के लिए भाग रहा है केवल आनंद के लिए। और जिनको आनंद मिल गया वो आनंद में पागल संत महात्मा और भगवान ये आनंद में पागल है और हम लोग आनंद के लिए पागल है सब पागल। संत महात्माओं को जब हम देखते हैं तो कहते हैं बिचारे का गड़बड़ बावरो भयो है लोग बावरी कहत मो को और बावरी कहते हम काहू ना बरजी हो कहैया सुनैया तजो बाप और भैया तजो गैया तजो मैया पै कन्हैया नाही तजी हो। ये संत लोग कह रहे हैं कि ये सब दुनिया पागल है। तो सारे पागल विरोधी पार्टी को पागल कहते हैं अपने आप को पागल नहीं समझते। पागल की एक पहचान है जो अपने को पागल न माने। तो संत और भगवान वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस दिव्यानंद अपरमेय अपौरुषेय परमानंद में पागल है लीन है और जिनको वो आनंद नहीं मिला वो बेचारे भूखे हैं प्यासे हैं उस आनंद के लिए व्याकुल होकर ऐसे भाग रहे हैं कि उनको इतनी भी फुर्सत नहीं है कि पहले समझ तो ले आनंद है क्या बनाए आनंद है कहाँ वो कैसे मिलेगा ये सब जानने की भी उनको छुट्टी नहीं। तो हम लोग आनंद के लिए पागल हैं लेकिन एक गड़बड़ है और वो गड़बड़ अनादिकाल से है। मैं बार बार गड़बड़ को आप लोगों को बताता हूं इसलिए कि उस गड़बड़ को मस्तिष्क में धारण कीजिए। भयं द्वितीयाभिनिवेशकस्यादीशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया को बुध आभजेत्तं भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। वेद व्यास ने कई लाख 4 लाख
श्लोक लिखे, लेकिन मुझे ये सबसे अधिक पसंद है। ये काम का है, इसलिए इतना सुंदर लिखा है वेद व्यास ने। इस छोटे से श्लोक में इतनी साइंस भर दी है कि इसके आगे आपको कुछ समझना नहीं, पढ़ना नहीं, सुनना नहीं। उन्होंने कहा कि देखो, तुम सब लोग जो भाग रहे हो आनंद के लिए, वो गलत दिशा में भाग रहे हो। जैसे इलाहाबाद यहां से पूर्व की साइड में है, तुम पश्चिम की साइड में भाग रहे हो, तो इलाहाबाद और दूर होता जा रहा है। तुमको पता नहीं है कि तुम जो आनंद चाहते हो वो कहां है, और ये अज्ञान आज का नहीं है, अनादिकाल का है। और ये अज्ञान भगवान से बहिर्मुख होने के कारण है। कभी आया ऐसा न समझना, सदा से है, भगवान से बहिर्मुख है, भगवान की ओर पीठ किए है जीव। इसलिए भगवान की ओर जो पीठ करता है उस पर माया का आधिपत्य हो जाता है, नेचुरल। भगवान प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश की ओर पीठ किया तो सामने अंधकार है, माया अंधकार का स्वरूप है। आदित्य वर्णन तम सब परस्तात वेद कहता है। तो वेद व्यास ने कहा कि क्योंकि जीव अनादिकाल से भगवान से बहिर्मुख है, इसलिए माया ने अपना आधिपत्य कर लिया। यद्यपि जीव चित्त है, चित्त और भगवान भी चित्त है, और माया जड़ है। यही तीन तत्व है ना, एक भगवान, एक जीव, एक माया। चित भगवान, चित जीव, जड़ माया। तो चित जीव पर, चेतन जीव पर जड़ माया का आधिपत्य है, क्योंकि ये अनुचित है और भगवान विभूचित है। अनुचित माने चित्त का बहुत छोटा सा अंश। देखिए, प्रकाश का स्वरूप होता है सूरज का, और तारों का भी होता है प्रकाश का स्वरूप, आप देखते हैं जी हाँ। चंद्रमा का भी होता है, देखते हैं जी हाँ, देखते हैं। और दीपक का भी होता है जी हाँ, देखते हैं। लेकिन करोड़ों दीपक, करोड़ करोड़ वाट के बल्ब लगा दो सारी दुनिया में, और सब तारे खिल जाए, चंद्रमा भी खिला हो, लेकिन रात रहेगी, रात नहीं जाएगी। और एक सूरज निकला, रात गई। तो भगवान सूरज है, शेष जितने भी जीव हैं ये अनुचित हैं। इसमें कोई अधिक चित वाले हैं, कोई बहुत कम चित वाले हैं, कोई और बहुत कम चित वाले हैं। जैसे देवता लोग हैं, ये हम लोगों से बड़े चित वाले हैं। यद्यद्भूति मत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंस संभवम्। भगवान कहते हो मेरे ही तेज के अंश हैं, लेकिन जरा वो बड़े, जैसे चंद्रमा उसका बड़ा प्रकाश होता है, तारों में किसी का थोड़ा प्रकाश, किसी का अधिक प्रकाश। आपके यहां बल्ब जलते हैं, कोई जीरो पावर का, कोई
25 पावर का, कोई 100 पावर का, कोई 1000 पावर का, ऐसे सब जीव हैं। तो जो कम पावर का होता है उस पर माया का आधिपत्य होता है, केवल सूरज पर नहीं होता। इसलिए सूरज आया रात गई, सूर्य नहीं आया तो सब इकट्ठे प्रकाश देते रहे फिर भी रात रहेगी। यानी जो बड़ी बड़ी चित शक्तियां हैं दैवी स्वर्गलोक की, उन पर भी माया का आधिपत्य है। अनुचित जो जीव है इन पर है तो कौन सा आश्चर्य है? ये आश्चर्य नहीं है जो हम लोगों पर माया का आधिपत्य है। जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं, जैसे धन में कुबेर, प्रताप में सूर्य, रूप में कामदेव, ऐश्वर्य में इंद्र, बुद्धि में बृहस्पति, ये जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी है जो पूरे माइक जगत में टॉप करती है, इनके ऊपर भी माया का आधिपत्य है। केवल सूर्य एक अकेला बचा, और चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे तारागण हो, चाहे टिमटिमाते दीपक हो, ये सब है लेकिन रात है। रागापति षोडश गहि तारागण समुदाय असकल गिरिन तव लागिए, लेकिन रवि बिनु रात न जाए। केवल भगवान के सामने माया खड़ी नहीं हो सकती विद्रोह करके। माया जा नहीं सकती भगवान के पास, इसका मतलब ये मत समझना कि माया कोई विरोधी वस्तु है, ऐसा नहीं है। वो भगवान की शक्ति है, भगवान के सामने नहीं जाएगी अगर तो फिर ये सृष्टि भी नहीं होगी। बहुत से लोग समझते हैं कि माया भगवान के सामने खड़ी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। अरे तो उन्हीं के अंदर रहती है, खड़ी होने की बात आप क्या करते हैं? क्योंकि मायाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, ये सृष्टि जो आपके सामने है ये माया से बनी है कि भगवान से बनी है? दोनों बातें आप शास्त्रों में सुनते पढ़ते हैं, लेकिन दोनों से बनी है। मैं भगवान है, अगर भगवान ही सृष्टि बनता तो फिर इसमें माया का कहीं लवलेश न होता। जैसे भगवान का लोक है गोलोक, वैकुंठ लोक, साकेत लोक, वहां कोई माइक पदार्थ नहीं है। वहां का सूर्य, वहां का चंद्रमा, वहां की पृथ्वी, वहां का जल, वहां का तेज, वहां का वायु, वहां का आकाश, ये मटेरियल नहीं है, सब स्पिरिचुअल दिव्य। वहां ये सूर्य नहीं जा सकता, न तत्व सूर्यो भाव, न चंद्र तारकम, लेकिन माया है क्योंकि माया को भगवान की शक्ति है। देखिए जब महाप्रलय होता है तो क्या होता है? पंच महाभूत पंच तन्मात्रा में मिल गए, पंच तन्मात्राएं अहंकार में मिल गई, अहंकार महत्त्व में मिल गया, महत्त्व प्रकृति में मिल गया, माया में, और माया भगवान में मिल गई। माया की कोई अलग सत्ता है ही नहीं। तो जासु सत्यता ते जड़ माया, वो तो अपरा शक्ति है भगवान की, शक्ति शक्तिमान से पृथक हो ही नहीं सकती। और देखो ये जगत माया का है, हाँ है, ये माया का है ना, हाँ, ये पृथ्वी माया की है, हाँ हाँ, इसमें भगवान सर्वव्यापक है कि नहीं है? तो फिर जहां माया है वहां भगवान है कि नहीं है?
ये तीनों में तीनों रहते हैं। ध्यान दीजिए, भगवान में जीव है, भगवान में माया है, जीव में भगवान है, और जीव में माया है, माया में जीव है, माया में भगवान है, इन तीनों में त्रैत रहता है। अब ये अलग बात है कि यहां जीव माया के अंदर में है और वहां भगवान के अंदर में है माया, इतना सा अंतर है, लेकिन माया वहां भी है। और वो माया नौकरानी है, भगवान की शक्ति है इसलिए नौकरानी है, क्योंकि अंदर में है। क्षरम प्रधान ममता क्षरम हर क्षरात्माना विशते देव एका। वेद कहता है एक क्षर तत्व है माया, एक अक्षर तत्व है जीव, और एक इन दोनों पर शासन करने वाला तत्व है भगवान। तो जो शासन करने वाला है वो सदा साथ रहेगा, वरना शासन कैसे होगा? एक बटे सौ सेकंड को अलग नहीं हो सकता भगवान न माया से न जीव से। अरे और बात छोड़ो, ये तो मानते हो ना कि या आत्मनिष्ठा थी, ये जीव भगवान में रहता है अथवा जीव में भगवान रहता है, अंदर के अंदर जीव में भगवान बैठकर जीव में चेतनत्व प्रदान करता है, प्लस बुद्धि मन इंद्रियों को तब तक मत करने की पावर देता है, प्रति सेकंड रहता है। जब तक जीव की सत्ता है तब तक भगवान उसके साथ रहेगा, और जीव नित्य है इसलिए भगवान का संग भी नित्य होगा। इसलिए वेद कहता है चेतनस चेतना नाम एको बहुनाम योग दधाति कामान। अरे चेतन जो जीव है उसको चेतनत्व दान कौन करेगा? ये हाथ है, ये हिल रहा है, ये चेतन नहीं है, हाथ तो जड़ है। आत्मा के कारण हाथ जैसे हिलता है, मुख बोलता है, कान सुनता है, जब कोई मर जाता है तो हाथ भी है, कान भी है, आंख भी है, कोई फर्क नहीं होता। आत्मा निकल गया, अब उसका शरीर शव हो गया, पंचमहाभूत का एक पुतला रह गया। तो जैसे आत्मा की शक्ति से इंद्रिय मन बुद्धि वर्क कर रहा है, ऐसे ही आत्मा भी परमात्मा की शक्ति से वर्क करता है। तो नित्य संग है परमात्मा का आत्मा के साथ, और नित्य माया के अंदर में है आत्मा। ध्यान दो, देखो तीनों एक जगह पर है। जीव में भगवान बैठ कर गवर्न कर रहा है। गवर्न करने का मतलब ये नहीं कि जितने वर्क हम करते हैं भगवान कराता है, ऐसा नहीं, वो वर्क करने की पावर देता है। आप क्या वर्क करें ये आप पर डिपेंड करता है। जैसे पावर हाउस ने आपको पावर दे दी, इलेक्ट्रिसिटी दे दी, अब आप कमरा गर्म कीजिए, ठंडा कीजिए, या तार पकड़ के मर जाइए, ये सब आपकी जिम्मेदारी है, पावर हाउस का जिम्मेदार नहीं है। पावर हाउस ने कृपा करके आपको पावर दे दी, अब आप उसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें उसका दंड आप भोगे, क्योंकि उसके कर्ता आप। तो ये जो सुना जाता है कहीं कहीं लिखा हुआ, या आम अज्ञानियों में तो खास तौर से है कि जो कराता है भगवान करता है, जो करे सो हर करे हो कबीर कबीर, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, इत्यादि जो आप सुना करते हैं,
यहां तक कि ब्रह्म सूत्र वेदांत में एक सूत्र बना दिया है, परात तच्छ्रुते, अर्थात उसको कराने वाला है, अगर वो न करावे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लोग कितना गोलमाल है भाषा में, अगर वो न करावे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अब भोले भाले लोगों ने कहा ऐसा है, एस एव साधु कर्म कारयति, एस एव असाधु कर्म कारयति। अब सुनने वालों ने कहा तो बिल्कुल ठीक है, फिर वही कराते ही, हम तो पहले से कह रहे थे। लेकिन एक प्रयोजक कर्ता होता है, एक प्रयोज्य कर्ता होता है, यानी भगवान पावर देता है लेकिन करने का अधिकार आपको देता है। स्वतंत्र क्रियमाणे वैक तो भगवता विदा, कर्म करने में जीव स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है। जब फल भोगने का नंबर आया तो आप इतराज करते हैं, भगवान ने ऐसा किया हमारे साथ। भगवान ने नहीं किया, और किसने किया? भगवान ने किया जो तुम कहते हो, ये भी ठीक है, लेकिन ये जो तुमको दंड दिया भगवान ने, ये क्यों दिया? कोई कैदी कहे कि जज ने हमको 10 साल की सजा दे दी है, बदमाश जज। जज कहता है भैया मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, तुमने ऐसे ऐसे अपराध किए हैं, उनका प्रमाण मिल गया है, इसलिए हमने दंड दिया है ताकि तुम भविष्य में अपराध न करो। तो भगवान कहते हैं भाई तुमने कर्म किया खराब, उस समय तुमने नहीं सोचा कि जब इसका फल भोगना पड़ेगा तो क्या होगा। तुमको उस समय सोचना चाहिए था, जब तुम खाना खाते हो तो सोचते हो ना क्या खाना चाहिए कि शरीर को फायदा हो, किस किस चीज में विटामिन ए है, बी है, सी है, किसमें प्रोटीन है, किसमें लोहा तांबा इत्यादि धातुएं हैं, कितनी लिमिट में खाना चाहिए, ये क्यों सोचते हो? क्योंकि शरीर रखना है और शरीर को स्वस्थ रखना है। अगर ठीक ठीक नहीं सोचते, अंड बंड खाए जा रहे हो, तो तुमको ये भी समझे रहना चाहिए कि फिर डॉक्टरों का फायदा करोगे, क्योंकि बीमारी शुरू हो जाएगी। अरे साल दो साल 10 साल मान लो युवावस्था में किसी प्रकार घप गया, उसके बाद फिर वो जो गड़बड़ी अंदर सब कमजोर कर चुकी है पार्ट्स को, वो सब फिर निकलेंगी एक एक करके। अरे हमारा हार्ट तो कभी खराब नहीं था, ये हार्ट अटैक क्यों हो गया? अरे खराब हो रहा था लेकिन युवावस्था में काम चलता रहा और तुम नहीं समझ सके, जब एकदम हालत खराब हो गई तब तुमको आइडिया हो। तो ऐसे ही हम जब कोई भी गलत काम करते हैं, वेद विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध, तो उस समय तो हम कहते हैं देखा जाएगा जो कुछ होगा। तो आप जब आ गया तो फिर देखा जाएगा, आप देखो उसको, परेशान क्यों होते हो? Your Prajras Madhuri English, page 95, 95.
जय जय नंद नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा आनंद कंदा
मंदो विंदा बन चंदा जय जय Thank you.
आपद अरविंदा। जय Govinda, Govinda.
दीन बना दो गोविंदा, जय Govinda.
Shri Radhe,
बोली श्रीमत सद्गुरु सरकार की जय। लाडली लाल की जय। प्यारी प्यारी अम्मा की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय